एक्स क्यूब आओ माइनस एक्स है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 26 नंबर है, x रेस टू द पावर 3 माइनस एक्स बाबू। हाँ सर, यस सर। चलो ठीक है, अब इसमें देखो बाबू मेरा कोई फार्मूला पे नहीं है, तो देखो बाबू यहाँ क्या एक्स है, यहाँ एक्स है, तो इसमें से एक्स पहले बाबू दोनों जगह एक्स एक्स है ना, तो एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बाबू यहाँ नहीं कुछ पावर है तो क्या वन है, तो एक्स कॉमन हो गया, तो तीन पावर में बाबू एक पावर बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना पावर बचेगा? दो पावर बचेगा, और यहाँ में एक एक पावर है सर, एक में से एक पावर निकल गया तो क्या बचेगा? वन बचेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू ये एक्स हो गया, और ये बाबू क्या एक्स स्क्वायर, और वन है बाबू, तो वन का बाबू हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर लिखे चाहे क्यूब लिखे, वैल्यू क्या होता है? एक ही होता है, वन होता है, वन का स्क्वायर करो चाहे वन का क्यूब करो, चाहे वन का बाबू पावर फोर ला, वन का पावर फाइव ला, सा वैल्यू क्या होगा? वन आएगा, है ना। अब बाबू ये फार्मूला पे हो गया, क्या हो गया सैतान? फार्मूला पे हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया बाबू किसका सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, क्या हो गया सर? ए प्लस बी हो गया बाबू, और क्या हो गया? ए माइनस बी हो गया, यही हो गया, है ना। ठीक सर, ठीक सर, तो ये फार्मूला हो गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया सर? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको x को a मान लो, और b वन को b मान लो, है ना, b को क्या कर लो वन मान लो, और यहाँ पे a एक जगह x रखो ना, और b की जगह वन रखो ना, तो x के एक जगह x रखो, b की जगह वन रखो, तो क्या हो जाएंगे? x प्लस वन हो जाएंगे सर, और क्या हो जाएंगे? x माइनस वन हो जाएंगे। यही तो करना था बाबू, कहाँ कुछ करना था, समझ में आया आर्यन? आर्यन सर ठीक है, 27 नंबर बोलो बाबू, बोलो तो जानवी दास, 27 नंबर x y x y हाँ बाबू चलो ठीक है, एक बाबू y पे पावर 9 है, एक बार बाबू x पे पावर 9 है, तो इसमें सोचो सर क्या कॉमन होंगे, क्या कॉमन होंगे, तो यहाँ x है सर, यहाँ भी x है सर, यहाँ बाई है सर, यहाँ भी बाई है सर, तो देखो क्या क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से बाबू यहाँ एक्स है सर, तो एक्स को यहाँ नहीं कुछ है, तो पावर क्या वन है, तो अब एक्स के पावर यहाँ वन है सर, यहाँ एक्स के पावर नाइन है, तो कौन सा कॉमन होगा? छोटका पावर, छोटका पावर कॉमन करने के लिए बताइए क्या, तो छोटका पावर क्या होगा? एक्स के पावर वन, यहाँ बाई के पावर क्या है सर? नाइन है, यहाँ बाई के पावर क्या बाबू? नाइन है, और यहाँ बाई के पावर वन है, यहाँ नहीं कुछ है तो वन है, तो ये दोनों में कौन पावर कॉमन होगा? छोटका पावर, तो छोटका पावर क्या है? वन है, तो बाई के पावर वन हो गया। ठीक ठीक सर, अब x के बाबू पावर वन ही तो बाहर निकल गया, अब और देखो इस टर्म से क्या क्या निकला सर? x का बाहर निकल गया, और बाई में से बाबू बाई में से क्या निकला? एगो पावर बाहर निकला, एगो पावर बाहर निकला, तो कई गो पावर बचेगा? नौ में से एक पावर चल गया, कई गो बचेगा? आठ गो, तो बाई रेस टू दी पावर एट हो गया। यहाँ देखो बाबू बाई के पावर वन है सर, आई बाहर निकल गया, और यहाँ से बाबू क्या होगा? एक एगो x के पावर नहीं है सर, अगर ब्रैकेट रहता तो वो x और y दोनों पे पावर 9 ना हो जाता। हाँ बाबू ये सिर्फ y पे पावर 9 है सैतान, सिर्फ y पे पावर 9 है, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट रहता, ब्रैकेट x y और ब्रैकेट क्लोज, तो वो दोनों पे पावर 9 ना हो जाता। हाँ ये दोनों, हाँ ये दोनों पे होता, अगर ये ब्रैकेट के अंदर रहता तो ये 9 पावर इस पे भी होता, और x पे भी होता, y पे भी होता, है ना बाबू? ठीक है ना बाबू, यहाँ नहीं ब्रैकेट दिया, मतलब सिर्फ पावर क्या है? y पे है, सिर्फ पावर कहाँ बाबू? y पे है। ठीक ठीक सर, तो नेक्स्ट बाबू यहाँ से देखो बाबू क्या बाई रेस्ट टू पावर वन है, तो बाई रेस्ट टू पावर वन बाहर निकल गया इसमें से, तो और बाबू क्या एगो निकला? एगो एक्स के पावर वन बाहर निकला, तो बचेगा क्या सर? एक्स में पावर नौ में से एक घटा दो, क्या बचेगा? आठ बचेगा, तो एक्स रेस्ट टू पावर एट। और कल बाबू इसका फॉर्मूला बताए थे, कल एक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, एक्स के पावर एट माइनस बाई के पावर एट, इसका तो करवाए हैं बहुत सारा, फोर वाला भी करवाए हैं, एट वाला भी करवाए हैं, और क्या करवाए बाबू, सो 16 वाला भी करवाए हैं, तो उसी तरह से इसको ब्रेक करो, कैसे करेंगे कैसे करेंगे? x बाई बाबू, अब पावर वन है, पावर वन है, तो पावर वन को लिखते नहीं हम लोग, नहीं लिखते बाई डिफॉल्ट, क्या समझेंगे कि यहाँ पे पावर कितना वन है, नहीं लिखा जाता है। अब इसको ब्रेक करो, तो इसको ब्रेक करो बाबू, तो कितना होगा? हम लोग यहाँ पावर फोर लिख देते हैं, बाई रेस्ट पावर फोर का स्क्वायर, ठीक सर, और x को बाबू इस तरह से आपको कल बताएं, x के पावर फोर सर का स्क्वायर, है ना, ऐसे कर देते हैं। ठीक ठीक सर, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये कितना हो गया? x बाई हो गया। अब बाबू ये क्या हो, इसको पूरा इकट्ठे को a मान लो, ये बाई के पावर फोर है ना, बाई के पावर फोर है ना, बाई के पावर फोर है ना, इसको क्या मान लो? पूरे का पूरे a मान लो, तो क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, माइनस इसको पूरे का पूरे क्या मान लो? b मान लो, तो क्या हो जाएंगे? b स्क्वायर हो जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दो, है ना बाबू,
और एक बाई रेज टू पावर फोर को ए मान लो और एक्स रेज टू पावर फोर को बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए फोर हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ए माने हो ना, तो इसी को बाबू क्या करो एक बार प्लस कर दो और ये एक्स फोर हो गया, ए प्लस बी और बाबू ए माइनस बी, बाई रेज टू दावर फोर बाबू माइनस एक्स रेज टू दावर फोर, पुनः बाबू ये फॉर्मूला पे पुनः आगे नहीं कहा बाबू फॉर्मूला पे, फॉर्मूला पे बाई के पावर फोर और एक्स के पावर फोर, इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाए हैं, एक्स फोर वाला नहीं करवाए शैतान को जी, एक्स रेज टू दावर फोर और बाई रेज टू दावर फोर, इसका नहीं कल है क्वेश्चन करवाया, तो वही चीज मैंने थोड़ा सा क्या कहा, ठीक है, इसमें अच्छा ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक करो बाबू, इसको फर्दर ब्रेक करो, फर्दर इसको ब्रेक करो, इसको फर्दर ब्रेक करो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसको यहाँ से लिखिए, एक्स बाई हो गया बाबू और ये बाई फोर हो गया, प्लस एक्स फोर हो जाएगा, अब इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, तो कितना हो जाएगा, बाई के बाई का स्क्वायर, म्यूट कर लीजिए बाबू, जानी सुना म्यूट के, म्यूट के जवाब आवाज आ रहा, बाई का पावर फोर है सर, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बाबू, एक्स के पावर फोर है तो क्या लिखो, एक्स का स्क्वायर लिखोगे, एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ठीक सर, अब नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू ये एक्स बाई हो गया, ये क्या हो गया सर, ये फॉर्मूला पे नहीं है सर, इसको रहने दो, आई बाबू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, शैतान इकट्ठे, इसको इकट्ठे बाई स्क्वायर को इकट्ठे, इकट्ठे ए मान लो, तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इकट्ठे मान लो, बी मान लो, तो ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे, ए प्लस बी, तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अब इसमें कोई फॉर्मूला पे है सर, कोई फॉर्मूला पे है बाबू, कोई फॉर्मूला पे है, ई वाला सर, ई फॉर्मूला, ई वाला, ई वाला फॉर्मूला पे, ई वाला फॉर्मूला पे, ई वाला फॉर्मूला पे, ठीक है, एक्स बाई हो गया, जब तक बाबू फॉर्मूला दिखेगा ब्रेक करते जाना है, अब बाबू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाई प्लस एक्स हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स, ये हो गया फाइनल रिजल्ट, लिखिए बाबू, समझिए आदित्य, आदित्य समझिए, ठीक है बाबू, लिखो ज्योति, अमरजीत बाबू समझे, कहाँ गलती कर रही थी, हाँ सर समझा सर, ठीक है, मेरा ये वाला सही था, हाँ लास्ट वाला गलत है, लास्ट वाला बताता है आपका, लास्ट वाला था, चलिए बाबू आप लोग अपने लेवल के अनुसार बाबू इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शर्मा वीडियो ऑन कीजिए, अरे जानवी शर्मा आप भी ऑन करो, दोनों शर्मा इसी है सर, कौन सी क्लास का ये क्वेश्चन है सर, ये बाबू फोर्थ थर्ड एंड हाफ क्लास का है सर, झूठ नहीं बोलिए सर, ये सेवन एट का है, झूठ बोलते हैं कि, अरे नहीं नहीं सर, थ्री एंड देखो शुरू में करवाए बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किस क्लास का सर, थर्ड क्लास का, और इसी में थोड़ा सा थर्ड एंड हाफ क्लास का छह महीना और तीसरा में पढ़ लोगे तो थर्ड एंड हाफ क्लास हो जाएगा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ए सानवी क्यों नहीं समझ में आता, सानवी बाबू बोलिए ना कुछ, जाते जाते बीए का तो सब क्वेश्चन बना लेंगे सर, हाँ बाबू आराम से बन जाएगा, एक दो साल का आराम से बन जाएगा, सारा बन जाएगा, सानवी नहीं बोलिएगा, एगो ज्योति एगो सानवी दोनों एकदम क्या करें, इरेज कर रहे हैं शैतान, लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो इरेज कर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर, लो जल्दी लो सर, मेरा ये गलती गया सर, 28 नंबर बता दीजिए, ठीक है 28 नंबर बता रहा है, आर्यन समझ में आता है बाबू, यस सर, हाँ बाबू चलो अच्छी बात है, 28 नंबर क्या क्वेश्चन है बोलो, बोलिए बाबू जानवीदास, हमारे जानवीदास बोलिए, 18 a square x square माइनस 32 है, 32 यस सर, चलो ठीक है, देखो सैतान इसमें कहा कि जानवीदास गलती, इसमें पहले दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करो, कुछ कॉमन होगा सर,
यहाँ ए है सर, यहाँ ए नहीं है, नहीं होगा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, तो ये तो वेरिएबल नहीं होगा। इसमें से देखो कुछ कॉमन होगा, देख सर कुछ कुछ करके देखते हैं। तो 18 को क्या 2 इंटू 9 नहीं लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 32 है, तो 32 को 2 इंटू 16 लिख लो, है ना। और नहीं समझ में आता तो इसको फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको फैक्टर करो, 2 5 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो जो बचपन में पढ़ा है, जो बचपन में आपको बताया है ना, जब ये तीसरा था, ठीक। अब ये दोनों में क्या सेम चीज है सर, तो ये दोनों में हमको तो दिख रहा है सर, एगो दू यहाँ है सर, एगो दू यहाँ, इसके सिवा इस टर्म में जो है, इस टर्म में 9 है तो इस टर्म में 9 नहीं है, यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स नहीं, तो यही तो एक बौधा है बाबू जो दोनों में सेम है। तो इसको घर से बाहर निकालो, 2 हो गया, तो इस टर्म में से 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें से 2 बाहर निकल गया तो क्या सिर्फ बचेगा, 16 बचेगा, तो माइनस के साथ 16 बचेगा। आप यहीं पे कॉमन बाबू यहाँ 8 लिख दी थी जानवी दास, सारे स्टूडेंट यहाँ 8 लिख दिया था। अब इसको ब्रेक करो शैतान, 2 9 देखो यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और 9 को हम लोग अगर 3 लिख देंगे बाबू तो कोई दिक्कत है, ए एक्स और इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना बाबू। अरे शैतान कुछ नहीं किए, ए था एक्स था, तो ए एक्स का इसका होल स्क्वायर हो गया, और 3 को 9 लिख दें तो ई स्क्वायर, ई ब्रैकेट जब हटाओगे तो स्क्वायर उछल के 3 पे भी आएगा, ए पे भी आएगा, और एक्स पे भी आएगा, सारे टर्म पे आएगा, सारे टर्म पे आएगा, है ना। ठीक ठीक बाबू, माइनस बाबू 16 हो तो 16 को क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, है ना। अब बाबू इसको ए मान लो, इसको इकट्ठे ए मान लो, किसको सर, इसको इकट्ठे ए मान लो, इसको इकट्ठे ए मान लो, और 4 को बी मान लो, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बाबू जब तक जीवित रहोगे तो इस फॉर्मूला कम से कम नहीं भूलना चाहिए, कम से कम लगता है 200-300 बार बता चुके हैं, बोल चुके हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 बार बोले हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको इकट्ठे ए मानोगे, ए मानोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए प्लस बी, 3ax + b 4 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी, तो 3ax - 4 हो जाएगा। समझी जानवी दास, कहाँ गलती की थी शैतान सर, मेरा 28 नंबर सही था। एको भागा कौन, जानवी, ज्योति, ज्योति तो नहीं भागी, संजना नहीं भागी, सानवी, सानवी भी है ये, ए सानवी बोलिए ना, दिखाई सुनाई दे रहा है सानवी, सानवी, सानवी बाबू नहीं बोलिएगा, जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट बाबू फैक्टराइजेशन, भाई बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताते हैं ना, ठीक है। ये वो गया कौन जी, दिव्य ज्योति है, सानवी है, संजना है, प्रधान है, आर्यन है, अभी 12 था, 12 थे आप लोग, तो 12 में तो 2 मेरा ही है, कौन है, प्रखर गई, प्रखर गई बोलो, प्रखर गई, प्रखर गई परखने के लिए, ठीक है बाबू, इरेज कर रहे हैं, लिखो जल्दी, इरेज करेंगे। नेक्स्ट बाबू, अब फैक्टराइजेशन का लास्ट मेथड, आई थोड़ा लंबा चलेगा, ये वाला सीख लिए बाबू तो आप लोग क्लास 10 तक बाबू बहुत सारा चीज इससे रिलेटेड है, बहुत सारा चीज रिलेटेड है ना। देखो कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन करवाए बाबू, बहुत सारा, अभी और होगा, अभी और होगा, अभी और होगा, इसके बाद फैक्टराइजेशन खत्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, लीनियर इक्वेशन बताएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। देखो शैतान क्या है, अभी तक फैक्टर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बाबू टर्म दिया उसको फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करने का कितना मेथड, 4 मेथड सर। पहला बाबू फैक्टराइजेशन का डायरेक्ट कॉमन मेथड है बाबू, पहला क्या है सर, डायरेक्ट कॉमन मेथड है बाबू, है ना, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, डायरेक्ट कॉमन मेथड बाबू, ठीक है सर। सेकेंड मेथड हम लोग क्या किया सर, फैक्टराइजेशन बाय बाबू रीग्रुपिंग ऑफ टर्म करके किए, रीग्रुपिंग आप लोग बाबू पढ़ते नहीं हो,
रीग्रुपिंग ऑफ टर्म बाबू, है ना? ठीक सर। थर्ड मेथड मेरा क्या फैक्टराइजेशन का बाबू, फैक्टराइजेशन का बाबू क्या है? यूजिंग आइडेंटिटी बाबू, आइडेंटिटी को यूज करके। आइडेंटिटी मतलब क्या सर? फॉर्मूला। यूजिंग आइडेंटिटी बाबू, आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइजेशन किया। अब फोर्थ मेरा क्या बाबू? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फोर्थ मेरा क्या बाबू? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना? तो तीन मेथड तो आप लोग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन मेथड डिस्कस हो चुका है। लास्ट वाला ये बच रहा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना? अभी एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना बाबू? इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तब ये वाला पढ़ेंगे बाबू, ये वाला पढ़ेंगे, है ना? ये ज्योति नहीं बोलिएगा, संजना वीडियो ऑन करो, शैतान संजना। यस सर। हाँ बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है? तो पहला नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट फोर्थ वाला कौन सा है सर? फैक्टराइजेशन वाइज बाबू, इसको समझो एकदम बच्चा वाला है। फैक्टराइजेशन बाबू, फैक्टराइजेशन बाबू बाय, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये होता क्या चीज है सर? स्प्लिट मतलब क्या होता बताओ तो अदित्री, बताए तो आईसीएसई बोर्ड से बाबू, बताओ ना, बताओ संजना, स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना शैतान, संजना बोलिए, स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? क्या बाबू? सर एक्शन ऑफ डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। अभी गूगल से पूछ रही हो ना, शैतान कहीं का चीटिंग बाद। सर अब कैसे समझ गए सर? इतने अच्छे से, हाँ आदित्य, इतने अच्छे से बोलने का मतलब क्या बाबू? अब वीडियो बंद होने का मतलब क्या है? फादर के लिए वीडियो बंद हुआ था बाबू। स्प्लिटिंग मतलब बाबू क्या? बहुत अच्छे बोली, अच्छा ईमानदारी से बोलिए, गूगल से पूछना बाबू, गूगल अंकल से पूछना। आदित्री क्या सर? आदित्री बाबू बोलिए ना, अरे नहीं पीटेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं पीटेंगे, बताइए ना, बोलिए ना थोड़ा। शैतान कैमरा नीचे करो, कैमरा नीचे कीजिए, खाली हेयर दिखा रही है आदित्री कि मम्मी फोन लगाए। अरे बाबू टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, कैमरा डाउन कीजिए ना, कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए ना। हाँ गूगल अंकल से पूछी ना, अच्छा चलो डिक्शनरी से, वेरी गुड बाबू। कितना जल्दी, स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? डिवाइड करना बाबू, डिवाइड करना, ब्रेक करना, ब्रेक करना, है ना? स्प्लिट मतलब क्या होता है बाबू? ब्रेक करना। इसको मतलब क्या होता है बाबू? ब्रेक करना। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है बाबू? इधर ही लिख देते शैतान, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है बाबू? स्प्लिट मतलब क्या होता है? ब्रेक करना होता है, ब्रेक करना, है ना बाबू? ब्रेक करना, तोड़ना, डिवाइड करना, है ना? ठीक है, तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, इसमें कैसे करेंगे बाबू? देखो जैसे क्या दिया हो सर, मान लो एक्स स्क्वायर है बाबू, एक्स स्क्वायर है बाबू, प्लस कितना है सर? 8x है, और प्लस बाबू कितना है? 15 है। ठीक, अब इसको कह रहा फैक्टराइजेशन करने के लिए। अब शांति से समझो, ये वाला बाबू समझ गया तो जिंदगी सवर गया। इसमें बाबू चार पांच को टाइप आएंगे, ये टाइप नंबर 1 हो गया, ये हो गया टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट हो गया बाबू। जहां बाबू क्या हो, सारे टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब इसको आपको फैक्टर करने का है, तो फैक्टर करने का क्या मेथड? चार मेथड, चारों से बारी बारी अप्लाई करना। पहले डायरेक्ट कॉमन मेथड, ये सारे में कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं बाबू। फिर बाबू क्या, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म। तो रीग्रुपिंग कैसे करोगे? ये दोनों का ग्रुप बनाओगे तो इसको कहाँ छोड़ोगे? नहीं ना छोड़ सकते हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला आइडेंटिटी, कोई फार्मूला पे सेट होगा, कोई फार्मूला पे सेट होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, और बाबू ये सब करके देखना। नेक्स्ट बाबू आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसमें मिडिल टर्म क्या बाबू? ये वाला, ये वाला मिडिल टर्म है, और इसको क्या करना? ब्रेक करना, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब क्या बाबू? दिस इज द बाबू मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना, ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे तैसे कर लेंगे? नहीं नहीं, एजुकेशन, मैंने आप लोग एजुकेटेड पर्सन हो ना, तो पढ़े लिखे की तरह इसको
एट एक्स है ना बाबू, तो एट को इस तरह से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। बात समझो, ये बात समझ गया तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं समझा तो ऐसी रह जाएगा। हमने क्या बोला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जो मिडिल टर्म इसको ब्रेक करना है। मिडिल टर्म क्या है सर, 8 है सर, तो 8 को इस तरह से ब्रेक करो बाबू कि ऐड करने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आ जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे, सोचना है कैसे ब्रेक करेंगे, है ना। तो 8 को बाबू अगर 5+3 लिखते हैं, 8 को बाबू देखो 8 को आप कैसे कैसे सोच सकते हो, कैसे सोचना, आपको सोचना है यहाँ पे। 8 को 2+6 लिखते हैं, 2+6 भी लिख सकते हैं, तो 2+6 कितना होगा सर, 8 होगा, ऐड करने पे 8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आएगा। हमको लाना क्या, 15 लाना। बात समझो बाबू, समझो इस क्वेश्चन को बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अपने मन से सोचना, 8 को इस तरह से दो डिजिट के सम में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे मेरा 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे जो यहाँ पे नंबर है वो आ जाए। तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है सर, 2+6 8 हो सकता है ना, 2+6 8 होता है सर, हाँ सर होता तो है सर, 4+4 तो 8 होता है सर, 4+4 भी तो 8 होता है, उसमें क्या दिक्कत है, 4+4 भी तो 8 होता है, हाँ सर, तो 4+4 8 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करो, 16 कितना आएगा, 4+4=16 यहाँ क्या है, 15। और क्या होगा, अपने मन से सोचना है, और क्या होगा, और क्या होगा सर, और कुछ है, 7+1 भी तो 8 होता है सर, तो 8 होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 7+1 15 नहीं होगा, और कुछ होता है, एगो लगता हमको आ रहा है, कुछ कुछ लगता ध्यान आ रहा है, 5+3 सर 8 होता है, और 5+3 कितना होता है सर, 15 होता है, हाँ सर। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करो ना तो आपको आइडिया मिलने लगेगा, अभी इतनी सा माइंड है ना, 2 दिन के बाद माइंड इतना बड़ा हो जाएगा तो अपने से आइडिया मिलने लगेगा, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा सर, हमको यही वाला कॉम्बिनेशन होगा, यही कॉम्बिनेशन होगा। शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। हमने क्या बोला, 8 को बाबू इस तरह से ब्रेक करो दो नंबर के सामने बाबू कि ऐड करने पे मेरा 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आ जाए, ठीक, हाँ सर। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यही वाला कॉम्बिनेशन, ये भी पॉसिबल नहीं है सर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, तो यही कैसे पॉसिबल है ना, है ना। तो इसको 8 को कैसे लिखेंगे सर, 8 को क्या लिखेंगे, अब 8 एक्स लाना है तो 5+3 करेंगे, है ना, 8 आ गया, लेकिन यहाँ एक्स है ना, यहाँ एक्स है ना, यहाँ एक्स है ना, तो एक्स यहाँ, तो यहाँ एक्स दे देना, तब ना 5x+3x करोगे 8 आएगा, और यहाँ 15 है तो 5+3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये जो नंबर है इसको लिख दो। अब यहाँ से बाबू देखो कौन कौन चीज कॉमन हो रहा, अब बाबू यहाँ पे बाबू जो अथी बाबू पेयर करके तो कॉमन नहीं किए हैं, ये दोनों में शैतान, ये दोनों को अभी एक साथ लिखो, और यहाँ पे बाबू ये दोनों हो गया, तो इसमें इसमें क्या कॉमन होगा, अभी इस दोनों में कॉमन, इसमें इसमें क्या कॉमन होगा, तो सर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो एगो एक्स कॉमन होगा ना, हाँ सर एगो एक्स कॉमन, अरे यहाँ एक्स छोटका पावर कॉमन होगा, छोटका पावर यही ना एक्स है, कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर में से एगो पावर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और इस एक्स में से एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा, तो एक्स प्लस फाइव बच गया। इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ यहाँ एक कॉमन होगा, यहाँ थ्री है, यहाँ 15 है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ 3x